वेलकम वेलकम रूबी के किचन में वेलकम मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स को मेरा प्यार भरा सलाम। आज हम ऐसी चीज़ बना रहे हैं कि घर में ग्रोसरी ना हो, वेजिटेबल्स ना हो, गोश्त ना हो और एक चीज़ हो सिर्फ बेसन, तो हम बड़ी ज़बरदस्त सी चीज़ बना सकते हैं। हाँ, खांडवी का सालन या काठियावाड़ी ढोकड़ी का सालन, वो भी मेरे स्टाइल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाल सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बराबर में ये बेल का जो आइकॉन है उसको दबाने से आपको मेरी रेसिपी सबसे पहले फ्री में देखने मिलेगी। वीडियोस अच्छी लगे थम्स अप दें। देखिए, हमारे पास यहाँ एक पॉट है, उसका हम चूल्हा ऑन करते हैं और उसमें हम डालेंगे 2 टीस्पून तेल और उसमें हम डाल देंगे 1/2 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा। इसको अब हम सॉटे कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि खुशबू आ जाए। देखिए ये हल्का हल्का ब्राउन हो गया है, तो अब इसमें हम डालेंगे 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट और 1/2 टीस्पून अदरक का पेस्ट। ये इतना ख़तरनाक सालन होता है, ज़्यादा एफर्ट ना डालो और पूरी फैमिली शौक से खा लेती है। वाइट चावलों के साथ तो मुझे इतना पसंद है और रूखा भी बहुत पसंद है, बल्कि हमारी पूरी फैमिली को बहुत पसंद है। चले, अब इसमें हम डाल देंगे 2.5 कप पानी। और जाएगा 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर। बस अब ज़रा सा हम इसका गर्म होने का वेट करते हैं। बस ये थोड़ा सा गर्म हो गया है नॉर्मल टेम्परेचर से, तो अब इसमें हम छना हुआ बेसन डालेंगे जो कि है 1 कप। बॉइलिंग पॉइंट पर नहीं डालना है और ना ठंडे में डालना है इसे। हमें ये डाला और थोड़ा सा इसे विस्क कर लेंगे। चूल्हा हमारा मीडियम हाई है। ये बड़ी सॉफ्ट और मुलायम सी ढोकड़ियाँ बनेगी इससे और झटपट भी बनेगी, तो इसको हम कॉन्स्टेंटली हिलाएंगे। देखा कितना तेज़ी से चेंज हो गया इसका टेक्सचर, ये देखें। चले, अब ये तो अच्छे से घुल गया, तो ज़रूरत नहीं है अब विस्क की। अब हम इसको चम्मच से हिलाएंगे। ये बड़ा झटपट भी बनता है और मज़ेदार सा बनता है, आप यकीन नहीं करेंगे। ये जैसे पकौड़े वाली कढ़ी कितनी पॉपुलर है, ये इतना पॉपुलर है और इतना ही मज़े का है। देखिए इतना गाढ़ा हो गया है, तब हम इसमें 2 टेबलस्पून भर के हरा धनिया और थोड़ी थोड़ी कटी हुई हरी मिर्चें डाल सकते हैं। ये मैंने लाल डाली ताकि कॉम्बिनेशन अच्छा लगे, येलो ग्रीन एंड रेड का मुझे पसंद है। आपको जो डालना हो डालें। तो बस इसको अब हम अच्छे से हिलाएंगे। और इसको अब हम कवर कर देंगे। तो बस इसको अब हम चूल्हे को कर देंगे स्लो, बिल्कुल लो कर देंगे और कवर कर देंगे 5-7 मिनट के लिए। और यहाँ देखें हमारे पास एक पैन है, इसका चूल्हा ऑन कर देंगे और इसमें डालते हैं 3 से 4 टेबलस्पून तेल और अब इसमें हम डालेंगे कड़ी पत्ता, अगर हो तो डाल दें, ना हो तो नो प्रॉब्लम। चलें इसको ज़रा सा सॉटे करते हैं 10 सेकंड के आसपास। देखें ये चटकने लगे, तब इसमें डाल देंगे 1 टीस्पून लहसुन और 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट। इतनी अच्छी खुशबू आने लगी और साथ ही अगर आपके पास फ्राइड अनियन नहीं है तो एक छोटी सी फ्राई कर लें, मेरे पास है तो मैं ये 5 टेबलस्पून डाल रही हूँ। तो अगर आपके पास फ्राइड अनियन ना हो तब क्या है कि अनियन को थोड़ा सा फ्राई कर लें, उसके बाद कड़ी पत्ता डाल दें और अदरक लहसुन डाल दें। ये फ्राइड है तो हमने फ्राइड ही डाल दिए, तो अब ये समझो आपकी फ्राइड हो गई अनियन। तो अब इसमें डालेंगे हम 4 टेबलस्पून टोमेटो प्यूरी, अगर आपके पास ना हो तो 1 मीडियम या लार्ज टोमेटो डाल सकते हैं। चले साथ ही डाल देंगे
कुछ मसाले जो कि कुछ यूं है कि एक टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर, एक टीस्पून चाट का मसाला, एक टीस्पून जीरा पाउडर, एक टीस्पून नमक, आधा टीस्पून हल्दी पाउडर और दो टेबलस्पून धनिया पाउडर। ये सब चला गया इसमें। अब इसको अच्छे से भूनेंगे। चूल्हा हमारा मीडियम पे है। चलिए ये भुन रहा है, जब तक हम देख लेते हैं हमारे आमेजे के क्या हाल है। हाँ ये देखिए कितना अच्छा गाढ़ा हो रहा है और पक भी रहा है, तो इसको थोड़ा सा और पकने देंगे। तकरीबन अभी हुए होंगे 4 मिनट के आसपास, तो 4 मिनट और पकने देते हैं। कवर कर देंगे। अच्छा देखिए हमारे पास यहाँ 1 कप दही था जिसकी हमने 4 कप पानी डाल के छाछ कह लो या छाछ कह लो वो बना लिया है, तो इसको हम थोड़ा सा इसमें डालेंगे अभी भुनाई के लिए। जैसे पानी डालते हैं ना इस तरह थोड़ा सा डालेंगे, ये इस तरह से, और साथ ही डाल देंगे 1 टीस्पून बेसन। इससे ग्रेवी की कंसिस्टेंसी अच्छी हो जाएगी। अब भूनेंगे। देखिए मसाला हमारा बड़ा अच्छा सा भुन रहा है, तेल ऊपर आ रहा है, और अब ये ऑलमोस्ट ढोकड़ी का भी हो जाने का टाइम हो गया है। तब हम क्या करते हैं कि कोई भी प्लेट ले लें, थाली ले लें, कटिंग बोर्ड ले लें, किसी भी चीज़ पे थोड़ा सा तेल लगाएं, बिल्कुल थोड़ा सा, और इसको हाथों से थोड़ा सा फैला लें, और उसके बाद थोड़ा सा ये जो चम्मच है ना, कोई भी चाहे प्याली ले लें, चाहे चम्मच ले लें, प्याली का बैक ले लें, उस पर भी थोड़ा सा लगा लें, और उस पर भी लगा दें सही तरह से। चूल्हे को करते हैं बंद। अब ये देखें कितना अच्छा सा हो गया। चले अब इसको निकाल लेते हैं इसमें। तो ये देखिए अच्छे से निकल गया। अब इसको थोड़ा सा फैला देंगे। अब आपको पसंद जितनी थिकनेस है इतना रखें। मुझे कभी भी बहुत बारीक नहीं पसंद है, मुझे थोड़ा सा मोटी होती है तो अच्छी लगती है। अब ये जो तेल वाला हमने लिया था ना चम्मच, उससे इसको सेट करेंगे। ये देखिए इस तरह से। चलिए ये अच्छे से हो गया, और अब हम जाते हैं अपने मसाले की तरफ। ये देखिए बड़े अच्छे से भुन गया है मसाला हमारा, और अब इसमें हम डाल देंगे ये जो हमने बना के रखी थी ना छाछ, वो चली जाएगी इसमें। दही हमारा 1 कप था जिसमें हमने 4 कप पानी डाला था, लेकिन इसमें डेफिनेटली आपकी चॉइस है कि आप चाहें तो कितना पानी और डालें। मैं अभी इसमें 1 कप पानी डालूंगी, चूंकि वो हमारे ब्लेंडर में ही गुंजाइश नहीं थी तो इसलिए 4 आया था तो मैंने 4 डाल दिया था, तो 1 कप डालेंगे। लेकिन इसमें काफ़ी गुंजाइश है, आप चाहें तो 2 कप और पानी डाल सकते हैं। किसी को ज़रा शोरबा गाढ़ा पसंद होता है, किसी को पतला पसंद होता है, तो आपकी चॉइस पर है। तो चले इसमें डाल देते 1 कप पानी और। चले अब इसमें बॉयल आएगा, जब तक ये थोड़े से सेट हो जाएगी तो अब हम उसको काटेंगे। बस ये थोड़ा थोड़ा चम्मच चलाते जाएंगे। तो देखिए ये हमने थोड़ा थोड़ा चलाते रहे, और देखिए तरी भी ऊपर आ गई है, धुएं भी निकल रहे हैं, और ये जो है हाथ लगा के देखें तो ये ठंडा हो गया है। तो चले इसको पीसेस करते हैं अब हम। और अगर आपका सेट ना हुआ हो तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में भी रख सकते हैं आप। ये
ये रूखी भी खाई जा सकती है, इतनी मज़े की लगती है। तो ये देखें कैसी लग रही है ना, शानदार। तो चले अब इसको डालते हैं इसमें। तो बस ये चली गई, इनको क्या कहते हैं थोड़ा सा हिलाएंगे। देखिए कितना यमी लग रहा है अभी से ही। और अब ये इसी के मज़ेदार से शोरबे में पकेगी तकरीबन 5 से 7 मिनट। इसको हम कर देते हैं कवर, और चूल्हा हमारा मीडियम हाई है। तो चले मिलते हैं 5-7 मिनट में। देखिए 7-8 मिनट हो गई है, और अब हम चूल्हे को करते हैं बंद और इसको खोलते हैं। ख़तरनाक खुशबूएं आ रही है, बिलीव मी, मुझे तो ये इतना पसंद है। इसमें डालेंगे अब हरा धनिया और थोड़ी हरी मिर्चें। ये रूखा भी इतना मज़े का लगता है, जैसे पकौड़े वाली कड़ी कैसी होती है, चावलों के साथ भी अच्छी लगती है, रोटियों के साथ भी और रूखी भी। अच्छा ये इतना जो शोरबा मैंने रखा है ना, तो अगर आपको इससे गाढ़ा रखना है तो सही है, वरना क्या होगा कि रात तक थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाएगा। और ये चावलों के साथ इतना शोरबा बड़ा मज़े का लगता है। तो चलें डिश आउट करते हैं। तो देखा कैसे झटपट हमने ज़बरदस्ती खांडविया कह लो या फिर ढोकड़ी का सालन बना लिया, वो भी ऐसे मक्खन मलाई जैसी ढोकड़ी, मज़ेदार सा। तो चले मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है, खुशबूएं भी बड़ी आ रही है। तो चले ट्राई करते हैं। ये देखिए मैं बताती हूँ कैसा टेक्सचर है। इतना खतरनाक है, चटपटा है कि आपको लगेगा कि आपके घर में ग्रोसरी नेक्स्ट टाइम भी ना हो तो आप यही बनाएं। गर्मा गर्म सूदिंग कंफर्ट फूड है। मज़े से एक बोल भर के ले लें, ढेर सारा शोरबा डाल के चटपटा सा मज़ा आ जाएगा। और देखा आपने कितना इजी है। बस मैं आपको 2 टिप देना चाहूँगी, अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका वो आमिज़ा जो है वो ढीला है, 2-3 मिनट और रख लें, या चम्मच चला के उसको थोड़ा सा थिक कर लें। टाइम नहीं है, फ्रिज में सेट होने के लिए रख दें, बाहर रखेंगे तब भी जल्दी से हो जाएगा। नंबर 2, जो हमने भूनने में बेसन डाला था 1 टीस्पून, वो वजह ये है कि अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि भाई हमारी वो जो शोरबा है वो फट गया, तो हमने उसको वैसे भी डाइल्यूट कर दिया था 5 कप पानी से, तो कोई चांसेस नहीं है। और फिर भी हमने 1 टीस्पून उसमें बेसन डाला था, वो बाइंडिंग है। फिर भी अगर आपको ऐसा लगता है 1 टीस्पून और डाल दें घोल के, जैसे नेहारी का डालते हैं ना इस तरह से, लेकिन कोई ऐसे चांसेस नहीं है। लेकिन एक एडिशनल टिप है, चले ये अब आप लोग के नाम पे मैं खा रही हूँ क्योंकि मुझसे सब्र नहीं हो रहा है, ये मेरी फेवरेट चीज़ है। खतरनाक, मज़ेदार, माइंड ब्लोइंग। चलो जल्दी जल्दी जाएँ, बनाएं, खूब मज़े करें और धमाल मचाएं। चलती हूँ, दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह फिर लौट के आऊँगी खतरनाक रेसिपी के साथ। लव यू ऑल, बाय, अल्लाह हाफिज़।